ठीक है, वेव फंक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, क्या होते हैं वेव फंक्शंस? तो पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ लेते हैं। वेव फंक्शन इज द क्वांटिटीज हूज वेरिएशन मेक अप मैटर वेव्स। द वेव फंक्शन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल शाई। वेव फंक्शन इज द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। द वेव फंक्शन आर सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस इन एंटायर स्पेस ऑफ सिस्टम। द स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन शाई मॉड शाई स्क्वायर और शाई शाई स्टार इज रिलेटेड टू अ मूविंग पार्टिकल एंड इट इज नोन एज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो होता क्या है, मैंने जब लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, जब वेव फंक्शन या डी ब्रॉगली वेव्स के बारे में बताया था, तो बताया था कि पार्टिकल के साथ सिंगल वेव एसोसिएट ना होके ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होती है, जिसको हम वेव पैकेट कहते हैं। तो वेव पैकेट क्या होता है कि सारी वेव्स का सुपरपोजिशन से मिलके जो हमें वेव मिलती है, तो उस वेव को हम एक फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं। हर एक वेव का फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम बता पाते हैं कि वेव कैसी चल रही है, ये कैसी है, ठीक है। तो ऐसे ही जो डी ब्रॉगली मेटल वेव या वेव पैकेट है, उसका फंक्शन होता है, उसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं। वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन उस पार्टिकल, जिस पार्टिकल के साथ वो वेव एसोसिएट है, उसके बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। वो वेव फंक्शन जो होता है उसको हम शाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हम जो हम वेव्स पढ़ रहे थे या लाइट वेव पढ़ते थे, तो उनके बारे में हम उनको क्या है, वाई से डिनोट करते थे। यहाँ पर हम वेव फंक्शन शाई से डिनोट करते हैं, और जो ये शाई होता है इसके अंदर एक्स वाई जेड टी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, या इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या शाई आर टी भी लिख देते हैं, ठीक है। अगर ये तीनों डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वेव, तो हम इसको शाई आर टी या शाई एक्स वाई जेड टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये शाई क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है, और जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होता है कि ये वेव फंक्शन पार्टिकल का हो सकता है, वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए एंटायर स्पेस में, साथ में उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जो भी हमारा वेव फंक्शन है, जिसको हम कह रहे हैं उस पार्टिकल का वेव फंक्शन है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और ये जो शाई है, ये अकेला इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दे पाता है जब तक ये अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई को हम मॉड शाई स्क्वायर भी बोलते हैं। तो शाई शाई स्टार जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। तो शाई हमें अकेला कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है जब तक हम उसको उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, जब किसी वेव फंक्शन में आई कहीं पे लिखा होता है और उस आई को हम माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो उस फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है। तो पहले ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फिर हम इसके एक एक पॉइंट्स को समझते हैं कि सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट, कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नॉर्मली क्या आता है, व्हाट इज वेव फंक्शन एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन पार्टिकल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है और इसको हम शाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको समझते हैं। जब ये नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। तो वेव फंक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, वेव फंक्शन इज अ क्वांटिटी हूज वेरिएशन मेक अप मैटर वेव्स। द वेव फंक्शन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय शाई। वेव फंक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। द वेव फंक्शन आर सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट, कंटिन्यूअस इन एंटायर स्पेस ऑफ सिस्टम। द स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन शाई मॉड शाई स्क्वायर और शाई शाई स्टार इज रिलेटेड टू मूविंग पार्टिकल एंड इट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये हमें मैक्स मॉड ने बताया था कि जो शाई है वो अकेला कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि मॉड शाई स्क्वायर हमें इंफॉर्मेशन देता है, प्रोबेबिलिटी बताता है पार्टिकल की उस वेव पैकेट में पाए जाने की। तो अब क्या
क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को समझते हैं कि वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड फाइनाइट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है और शाही शाही स्टार हम कैसे निकालते हैं, है ना। डन मैम। चलिए मैं यहाँ से इसको क्लियर करती हूँ। तो अभी तो हमें वेव फंक्शन निकालना आता नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का, तो मैं इसलिए इसको ग्राफिकल मेथड से समझा रही हूँ। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक प्रॉब्लम भी है हमारे सिलेबस में, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, फिर हम उसके लिए वेव फंक्शन सॉल्व करके देखेंगे, है ठीक है। एक वेव ऐसी है, मैंने यहाँ पे चार ग्राफ बनाए हैं, तो उसमें से कौन सा वेव फंक्शन, मतलब कौन सी वेव एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगी, पहले वाले को देखते हैं। यहाँ पर तो सिंगल वैल्यूड और फाइनाइट चल रहा था, बट जैसे ही हम इस पॉइंट पे आए तो यहाँ पर इसकी दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, है ना। जबकि हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कब होगा, जब हर एक पॉइंट पे सिंगल वैल्यूड होगी। यहाँ पर क्या हुआ, इसी पॉइंट पे इसकी टू वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो सिंगल वैल्यूड नहीं रहा, तो मतलब ये वाला जो ग्राफ होगा ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता है। इसमें देखते हैं, हर एक पॉइंट की सिंगल वैल्यू चल रही थी, ठीक है, बट यहाँ पर इस रीजन में ये डिसकंटिन्यू हो गया। हमारा जो एक पॉइंट होता है उसमें क्या है कि वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यू हो गया, तो ये वाला वेव फंक्शन भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं हो सकता। भले ही सिंगल वैल्यू था हर एक पॉइंट पे, बट डिसकंटिन्यू हो गया, तो ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं हो सकता। इस ग्राफ में बात करते हैं, ये इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है, तो एक पॉइंट पे जाके इसकी वैल्यू जो है इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये भी जो हमारा ग्राफ है एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन का नहीं हो सकता, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू नहीं है। यहाँ पे सिंगल वैल्यू नहीं रहा था, यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो गया, यहाँ पर ये इनफाइनाइट हो गया, तो ये तीनों ग्राफ हमारे जो है एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के नहीं रहे। इस वाले में देखते हैं, ये हमारा साइन है कॉस का ग्राफ है, कंटिन्यूस है, हर एक पॉइंट पे जो वैल्यू देखेंगे सिंगल वैल्यूड है, ठीक है, कंटिन्यूअस है। अगर कॉस का ग्राफ है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, साइन का है तो साइन का भी फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो मतलब ये हमारा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन का ग्राफ है। तो ये तो हमारा मतलब हो गया कि क्या मतलब है, ठीक है। और कॉस का ग्राफ है चाहे साइन का ग्राफ है, तो दोनों ही केस में उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, सिंगल वैल्यूड भी है, कंटिन्यूअस भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है। तो मतलब हमारा ये जो ग्राफ है ये हमारा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन का ग्राफ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या है। वेव फंक्शन में मैंने आपको बताया भी था कि शाही अकेला कुछ नहीं बताता है, बल्कि मैक्स बॉर्न ने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट द पार्टिकल हम तब बता पाते हैं जब हम उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पी इक्वल टू टाउ वन से टाउ टू मॉड शाही स्क्वायर डी टाउ। अगर हमें किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो उस रीजन में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो हम इस फंक्शन से निकालते हैं, ठीक है, जहां पे टाउ वन और टाउ टू क्या है, वॉल्यूम है, कि किस रीजन से किस रीजन के बात में बात कर रहे हैं। नॉर्मली आप जो वॉल्यूम है उसको डीवी से दिखाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी हम सॉल्यूशन देखेंगे वहां पे हम वॉल्यूम एलिमेंट को टाउ से दिखाते हैं, है ना। तो डी टाउ का मतलब क्या है, एक तरीके से डीएक्स dy dz, ठीक है। अगर किसी वॉल्यूम में एग्जिस्ट कर रहा है पार्टिकल, किसी सरफेस पे होगा तो ds हो जाएगा dx dy, ठीक है। अगर लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है तो d tau की जगह dx हो जाएगा, तो लाइन पे अगर x एक्सिस के अलोंग कर रहा है। नॉर्मली हम उसको क्या है, वॉल्यूम में लेके चलते हैं कि वॉल्यूम में एग्जिस्ट करता है, फिर प्रॉब्लम जो भी हमें गिवन प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो tau1 मतलब वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक, या टाउ वन से टाउ टू तक। शाही शाही स्टार मॉड शाही का मतलब क्या है, इसका मतलब है शाही शाही स्टार। शाही स्टार का मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अगर कहीं पर आई है तो उसको माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। वेयर शाही क्या है, शाही शाही स्टार, और डी टाउ मतलब वॉल्यूम एलिमेंट, वेयर पार्टिकल इज एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। उसके अलावा हम क्या बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलते हैं। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, कि पार्टिकल एग्जिस्ट करता है,
पार्टिकल एग्जिस्ट करता है कहाँ से कहाँ तक हमें नहीं पता, तो हम क्या लिमिट लेके चलते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू टू प्लस इन्फिनिटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, तो प्रोबेबिलिटी वन हो गई। ठीक है, यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि इस रीजन में कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके मिलने की, बट नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, ये पार्टिकल एग्जिस्ट करता ही है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो शाई शाई स्टार डी टाउ इक्वल टू वन, और अगर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है तो शाई शाई स्टार डी टाउ इक्वल टू जीरो। ये पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता हम, लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं, पार्टिकल एग्जिस्ट करता है कंसिडर करके चलते हैं, तो जो भी कंसीडर करके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिमिट यूज कर लेते हैं। अभी हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी शाई शाई स्टार डी टाउ इक्वल टू वन ले रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब इस पार्टिकल को मैं कहीं पे कन्फाइंड कर दूँ, कहीं पे कन्फाइंड कर दूँ मतलब जैसे मैं ये कंसिडर कर लूँ कि पार्टिकल हमारा इस रूम में एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल बोल सकते हैं, बॉल बोल सकते हैं, हम खुद को बोल सकते हैं कि हम इस रूम में एग्जिस्ट करते हैं, तो लिमिट क्या हो जाएगी, फिर लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नहीं रहेगी, इस रूम की डायमेंशन के अकॉर्डिंग लिमिट हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्यूबिक सरफेस ले लूँ, सपोज ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के अंदर हमारा सपोज ये पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, तो तब लिमिट क्या होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो से एक्स डायमेंशन ए है, y डायरेक्शन में y इक्वल टू जीरो से y इक्वल टू ए है, z डायरेक्शन में z इक्वल टू जीरो से z इक्वल टू ए है, तो पार्टिकल इसके बीच में एग्जिस्ट करता है, तो लिमिट यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं रहेगी बल्कि जीरो 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 से a a a हो जाएगी, अगर क्यूबिक है, स्क्वायर कुछ रेक्टेंगुलर होता तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट हो जाती है ना, तो रूम की शेप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा या कोई और डायमेंशन होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी लिमिट। तो पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है, मतलब पूरे एंटायर स्पेस में कहीं पे एग्जिस्ट करता है, प्रोबेबिलिटी वन है, और हमने उसको कहीं फाइंड कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर लिमिट चेंज कर देंगे। तो ये कंडीशन लिख लीजिए, फिर हम इसको दो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो दो इसके न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं कि इनको कैसे यूज करते हैं। तो मैक्स बॉर्न है जिन्होंने ये बोला कि शाई अकेला कुछ नहीं बताता है, वेव फंक्शन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है जब तक हम उसके उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई नहीं करते। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, सपोज जैसे मेरे पास शाई आर टी जो है ई टू पावर आई के एक्स है, तो शाई आर टी यानी कि शाई स्टार क्या हो जाएगा, ई की पावर आई की जगह माइनस आई के एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ये i नहीं होता, e की पावर खाली के एक्स होता, तो फिर शाई स्टार भी e की पावर के एक्स रहता, फिर कोई चेंज नहीं होता, दोनों शाई शाई स्टार दोनों सेम लगते, बट जब i होता है तो i की जगह माइनस i यूज हो जाता है, तब हम उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं उसका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो i को माइनस i से रिप्लेस कर देते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन, ठीक है, समझाने के लिए बाकी सब। Probability scientist Max Born gave an explanation about the probability of finding out the particle that is p equal to tau 1 to tau 2 mod chi rt square equal d tau, where chi mod chi square kya hai chi chi star, d tau kya hai volume element where particle is expected to be found in three dimensional space, and the normalization condition is minus infinity to plus infinity mod chi rt square d tau equal to 1। दो न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं इन कंडीशंस को कैसे यूज करते हैं। वेव फंक्शन अभी हमने निकालना नहीं सीखा है, वेव फंक्शन हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम के लिए है, सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है क्वांटम मैकेनिक्स की, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो हम पार्टिकल को वन डायमेंशनल बॉक्स में कन्फाइंड करेंगे और उसके लिए वेव फंक्शन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन पता है तो हम उस पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस जगह वो कन्फाइंड करा जा रहा है उस जगह उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, पोजिशन निकाल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स निकाल सकते हैं कि पार्टिकल कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें उसका वेव फंक्शन पता है पार्टिकल का। जब ये नोट डाउन कर ले तो बता दीजिएगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड कर लेंगे और उस पर न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे।
यस मैम नोटेड. चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड. चलिए तो अब न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसका. पहला क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन. नहीं हुआ, चलिए नोट करिए. और साथ के साथ लिखने की प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज फिर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. और जो हम श्रोडिंगर इक्वेशन कल पढ़ेंगे, आज तो शायद नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, जो श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे तो सोचिए वो श्रोडिंगर ने इक्वेशंस दिए हैं एज ए पॉसिबलेट, है ना. उनको उन्होंने ड्राइव नहीं किया था, हम उसको ड्राइव कर रहे हैं यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन, वेव इक्वेशन. ठीक है, उसको बाद में ड्राइव किया गया दिखाने के लिए कि हाँ ये इक्वेशन वाकई में एग्जिस्ट करती है. बट श्रोडिंगर ने उसको एज ए पॉसिबलेट दिया, उन्होंने कहा ये इक्वेशन होती हैं. तो जैसे न्यूटन्स लॉ में न्यूटन्स लॉ होते हैं, रिलेटिविटी में लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती हैं, या आइंस्टाइन पोस्टुलेट होते हैं, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस होती हैं, वो एज ए पोस्टुलेट हैं कि ये होती हैं. उनको ड्राइव करके दिखा दिया गया वो अलग चीज है, बट श्रोडिंगर ने उनको ड्राइव नहीं किया था. श्रोडिंगर ने कहा था कि ये इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, उन्होंने उसको एज ए पोस्टुलेट गिवन किया था. तो हम कल पढ़ेंगे, अब ये दो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, वेव फंक्शन और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ये कैसे यूज करते हैं इसको देख लेते हैं. चलिए तो पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिए. पोजीशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब यूजिंग अ वेव फंक्शन शाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स पाई. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मीटर टू 3 मीटर ऑन एक्स एक्सिस. कह रहे हैं कि कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन है जिसका वेव फंक्शन शाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स पाई है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस रीजन में, एक्स एक्सिस पर x इक्वल टू 1 मीटर से x इक्वल टू 3 मीटर. तो शाई दिया है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो प्रोबेबिलिटी का भी पीछे हमने जो स्लाइड था उस पर प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन लिखा भी था. प्रोबेबिलिटी p इक्वल टू क्या होता है, टाउ वन से टाउ टू d शाई शाई स्टार या मॉड शाई स्क्वेयर d tau कब था, जो वॉल्यूम एलिमेंट था, है ना, तीनों डायमेंशन में था. लेकिन अभी अभी इस केस के अंदर सिर्फ x एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो जो इंटीग्रेशन होगा वो सिर्फ x एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, है ना. तो लिमिट्स भी x एक्सिस के अलोंग चेंज हो जाएंगी. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑन x एक्सिस, तो फॉर्मूला हम उसको x एक्सिस के अलोंग रिड्यूस कर लेंगे. ठीक है, जो हमारा ये फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी वाला कि tau 1 से tau 2 mod chi square डी टर्म डायमेंशन कंसीडर कर रहे थे. लेकिन अब जो हमें क्वेश्चन दिया है वो सिर्फ, क्योंकि जो गिवन प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, तो इस फॉर्मूले को हम एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग चेंज कर लेंगे. तो टाउ वन और टाउ टू की जगह एक्स वन और एक्स टू हो जाएगा. शाई आर टी शाई एक्स में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेव फंक्शन शाई एक्स की फॉर्म में दे रखा है, साइन एक्स पाई, और डी टाउ की जगह डी एक्स हो जाएगा. ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है किस रीजन में, एक्स वन इक्वल टू 1 मीटर टू एक्स टू इक्वल टू 3 मीटर के बीच में. तो नोट डाउन करने के बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑन एक्स एक्सिस. तो पहले इसको एक्स डायरेक्शन में रिड्यूस करिएगा, वैल्यूज पुट करिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा. वेव फंक्शन शाई कितना दिया है क्वेश्चन में, शाई गिवन है साइन एक्स पाई. और अगर हाँ इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे तो वो सेम यही रहेगा, है ना, क्योंकि वेव फंक्शन कब चेंज होता है, जब आई दिया होता है. अभी आई है नहीं, तो साइन एक्स पाई अगर शाई है तो शाई स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी शाई एक्स पाई होगा. तो शाई शाई स्टार देखा जाए तो साइन एक्स पाई का स्क्वायर हो जाएगा. पी एक्स वन से एक्स टू मॉड शाई एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो टाउ वन टाउ टू की जगह एक्स वन और एक्स टू ने ले लेंगे, और डी टाउ की जगह डी एक्स ले लेंगे. फिर क्वेश्चन के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम है, इसमें इन्होंने एक्स वन 1 मीटर दिया है और एक्स टू 3 मीटर दिया है. तो लिमिट 1 से 3 के बीच में हो जाएगी. और वेव फंक्शन शाई शाई स्टार हमारा क्या है, शाई साइन एक्स पाई है, शाई स्टार साइन एक्स पाई है. तो जब हम इसकी जगह यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो साइन एक्स पाई मल्टीप्लाई साइन एक्स पाई डी एक्स, तो ये मॉड स्क्वायर हो जाएगा इसका, है ना. फिर साइन स्क्वायर एक्स पाई को कैसे सॉल्व करते हैं, कॉस में चेंज कर लेते हैं. तो 1/2 1 माइनस कॉस 2 एक्स
पाई हो जाएगा, है ना। तो 1/2 लिमिट 1 से 3 साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स डीएक्स, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 पाई एक्स अपॉन 2 पाई और लिमिट 3 टू 1। ये वैल्यूज पुट करिएगा, देखिए 1 आता है कि नहीं आता है। भाई 3 यहाँ पे क्या करूंगी, 3 माइनस 1 तो 2 1/2 1 ही रह गया। अब साइन में लिमिट रख के देखिए, साइन 2 पाई एक्स की जगह एक बार 3 रखिए, एक्स की जगह एक बार 1 रखिए, हमेशा क्या होगा ये मल्टीपल होगा पाई का, और पाई का कोई सा भी मल्टीपल हो साइन में हमेशा वैल्यू 0 होगी, है ना। पाई का कोई सा भी मल्टीपल हो साइन के अंदर वैल्यू 0 हो जाएगी, चाहे इवन मल्टीपल हो चाहे ऑड मल्टीपल हो, साइन की वैल्यू 0 होती है। तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये 0 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है। मैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर मैं यहाँ पे बात करूं, पी 1/2 3 माइनस 1 ये x की लिमिट लगाई, माइनस यहाँ पे हमने साइन की लिमिट लगाएंगे, एक बार ये 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई अपॉन 2 पाई, माइनस जब 1 लिखेंगे तो साइन 2 पाई अपॉन 2 पाई, चाहे 6 पाई हो चाहे 2 पाई हो हमेशा ये वैल्यू 0 होगी, साइन की पाई की वैल्यू हमेशा 0 होगी, साइन 180। तो मतलब अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन साई एक्स इक्वल टू साइन एक्स पाई है और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 मीटर से 3 मीटर के बीच में हम एक्स एक्सिस पे पूछें तो वो 1 होती है, तो मतलब उसके मिलने की पूरी के पूरे चांसेस हैं कि वो इस रीजन में एग्जिस्ट करता होगा। क्वेश्चन है, शो दैट पाई एक्स ई की पावर आई के एक्स इज एक्सेप्टेबल आइगन फंक्शन वेयर के इज सम फाइनाइट कॉन्स्टेंट फॉर अ रीजन माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स is less than equal to a is a normalized given eigen function। तो पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको ये दिखाना है कि ये जो वेव फंक्शन है psi x equal to e to power i k x acceptable wave function है कि नहीं है। तो acceptable wave function की condition यही है कि ये finite होना चाहिए, continuous होना चाहिए, first derivative exist करना चाहिए, single valued होना चाहिए, ठीक है। अगर ये properties रखता है wave function तो ये acceptable wave function होगा, उसके बाद हम इसको normalize करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि acceptable wave function है कि नहीं है। question? Yes, ma'am. The given yes, ma'am. Wave function, the given wave function may be rewritten as pi दिया है हमें, क्या दिया है, e की पावर i k x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स खोल दें इसका, तो cos k x प्लस i साइन k x। अब देखते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, पहले इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव d phi x over d x equal to, इसका ही डिफरेंशिएशन कर देती हूँ, है ना, cos और sin का क्या करूं, तो e की पावर i k x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, i k e की पावर i k x, ठीक है। और यहाँ पर हम फिर e की पावर को ओपन कर सकते हैं, cos k x plus i साइन के एक्स, और ये जो है आई का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आई के कॉस के एक्स माइनस आई 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 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस के साइन के एक्स,
ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। तो एक पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गया कि वेव फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अब ये फाइनाइट है कि नहीं है, हेयर सीन्स द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन के एक्स, ऑफ साइन के एक्स एंड कॉस के एक्स कितनी होती है, वन होती है, मैक्सिमम वैल्यू इज वन। और जो के है वो क्या है, फाइनाइट कॉन्स्टेंट है, क्वेश्चन में भी दे रखा है, एंड के इज फाइनाइट कॉन्स्टेंट, एंड के इज फाइनाइट कॉन्स्टेंट। तो मतलब जो वेव फंक्शन पाई एक्स है और जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है डी एक्स ओवर डी फाई ओवर डी एक्स, दोनों फाइनाइट हो जाएंगे क्योंकि कॉस की वैल्यू भी फाइनाइट है, मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है, और के से मल्टीप्लाई हो रहा है, के भी फाइनाइट वैल्यू है, तो जो भी इससे फंक्शन निकल के आएगा रिजल्टेंट वो फाइनाइट वैल्यू होएगा। तो आर फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब सेकेंड बात देखते हैं कि सिंगल वैल्यूड और कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि साइन और कॉस का फंक्शन है, साइन और कॉस जो है सिंगल वैल्यूड होते हैं और कंटिन्यूअस वेव फंक्शन होते हैं। तो मतलब ये वेव फंक्शन और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी सिंगल वैल्यूड भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। तो फंक्शन, द फंक्शन पाई एक्स एंड इट्स डेरिवेटिव d phi x over dx are single valued and continuous because sin kx and cos kx are finite, are continuous and single valued for all values of x, are the function phi x and its derivative del phi over del x are single valued and continuous because sin kx and cos kx are continuous function for all values of x। तो हमने ये तो चेक कर लिया कि हमारा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि सिंगल वैल्यूड भी है, कंटिन्यूअस भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, और हर एक की जो है वेव फंक्शन की फाइनाइट वैल्यू भी है। तो ये जो वेव फंक्शन है ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। अब इसको हमें नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं और उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करके। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या थी कि पार्टिकल एग्जिस्ट करता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो प्रोबेबिलिटी वन हो जाती है। बट इस गिवन क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दिया है कि किस रीजन में हमें नॉर्मलाइज करना है, माइनस ए टू प्लस ए। तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी की जगह माइनस ए टू प्लस इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी वन हो गई। तो यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर इसको आगे करते हैं। पाई एक्स इज एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन फॉर, अब इसको हमें क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज कंडीशन यूज करनी है। फॉर नॉर्मलाइज्ड द वेव फंक्शन मे बी रिटर्न एज फाई एक्स इक्वल टू, तो एक कॉन्स्टेंट ऐड कर लिया, सी आई के एक्स, ठीक है। तो शाई स्टार
क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, सी कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा, ई की पावर माइनस आई के एक्स, आई की जगह माइनस आई हो जाएगा। तो शाई भी पता है, शाई स्टार भी पता है, बस क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं, नॉर्मलाइज जेड भी बनाते हैं, कई कुछ बुक में एस की जगह जेड भी लिखा होता है, यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, तो जेड भी लिखा होता है कुछ बुक में, एस भी लिखा होता है, तो यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, शाई शाई स्टार इक्वल टू वन। फिलहाल इसको उसकी फॉर्म में लिखती हूँ, तो पहले नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है वो लिख देते हैं, फिर अपने केस के लिए लिख के देखेंगे, है ना। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी शाई शाई स्टार, या मोर शाई भी बोल सकते हैं, डी टाउ इक्वल टू वन। अब हमारे केस के लिए देख लेते हैं, लिमिट क्वेश्चन में दी है कि माइनस ए से प्लस ए के बीच में हमें नॉर्मलाइज करना है, फाई दे रखा है, तो फाई एक्स पाई स्टार एक्स डी एक्स इक्वल टू वन, से वन डायमेंशन केस दे रखा है। इसको क्या करेंगे, अपने लिए सॉल्व करके देख लेंगे, माइनस ए टू प्लस ए, शाई एक्स की जगह लिख सकते हैं सी ई टू पावर आई के एक्स मल्टीप्लाई शाई स्टार की जगह सी ई टू पावर माइनस आई के एक्स डी एक्स इक्वल टू वन। इसको सॉल्व करके आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो सी की वैल्यू आएगी वो आप वेव फंक्शन में रख दीजिएगा, तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिमिट है, माइनस ए टू प्लस ए ही है, सी से सी मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस ए टू प्लस ए e की पावर आई के एक्स ई की पावर माइनस आई के एक्स, तो दोनों को कंबाइंड करोगे तो वन हो जाएगा, वन डी एक्स इक्वल टू वन। क्या करेंगे यहाँ पे, सी स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस ए टू प्लस ए इक्वल टू वन, लिमिट यूज करेंगे सी स्क्वेयर प्लस ए माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा ए इक्वल टू वन, और सी स्क्वेयर टू ए इक्वल टू वन, और यहां से देखा जाए तो सी इक्वल टू वन अपॉन रूट टू ए आ जाएगा। देयरफॉर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज फाई एक्स इक्वल टू सी की जगह वन अपॉन रूट टू ए ई टू पावर आई के एक्स, ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हो गया, जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आज इतना ही, इसके बाद अटेंडेंस लेंगे और किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे, कल फिर हम श्रोडिंगर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे।